Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I'm Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Dewey College, University of Allahabad. And after discussing human rights education, here I am to discuss with you all the methods and techniques of human rights education. And the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for all of you. So let's start. Methods of human rights education. देखिए, हमने पढ़ लिया मानवाधिकार क्या होते हैं, मानवाधिकारों की शिक्षा क्या है, उसका बेसिस क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं. ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का मतलब कि ऑल लर्निंग, जिससे कि सभी प्रकार का वो सीखना, वो अधिगम जिसमें कि आप ज्ञान, कौशल और मूल्य सीखते हैं. ह्यूमन राइट्स यही है ना, यही हम लोगों ने पढ़ा भी. तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की जब आप बात करेंगे कक्षा में, तो आप उसको सिर्फ लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं, है ना, क्योंकि लेक्चर मेथड से आप सुनेंगे और जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, जब तक वो आपके भाव में नहीं आएगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं है. तो इसीलिए नॉर्मल मेथड से ह्यूमन राइट्स एजुकेशन नहीं चलता है. उसके लिए आपको कुछ अलग पार्टिसिपेटिव, कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव, कुछ जिसमें आप कुछ करें, है ना, एक्शनेबल काम आपको इसमें जरूरी है. द फोकस ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इज नॉट जस्ट आउटवर्ड ऑन एक्सटर्नल इश्यूज, सिर्फ बात करने की बात नहीं है एंड इवेंट्स, बट ऑल्सो इनवर्ड, हमको अंदर से फील करना है, पर्सनल वैल्यूज, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स में चेंज लाना है. टू इफेक्ट बिहेवियर एंड इंस्पायर अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन यूजेस पार्टिसिपेटरी मेथडोलॉजीज. वो कह रहे हैं कि आप ऐसी विधियाँ यूज कीजिए जिसमें पार्टिसिपेशन हो. That emphasize, उससे क्या होगा, इंडिपेंडेंट रिसर्च, एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग को बल मिलेगा. मतलब आप शोध करेंगे, आप कुछ विश्लेषण करेंगे, आप कुछ चिंतन करेंगे, गोइंग बियॉन्ड फैक्चुअल कंटेंट टू इंक्लूड स्किल्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड एक्शंस. यानी हमको सिर्फ कंटेंट पे नहीं रहना है, फैक्ट कि UDHR 1948 में लॉन्च हुआ, वो 1966 में हुआ, नियम क्या है, कानून क्या है, रटने से काम नहीं चलना है. विषय वस्तु से सिर्फ नहीं, वो तो सिर्फ आपके ज्ञान के लिए जरूरी, कि आपको पहले पता चले बात क्या है, उसके बाद कौशल, आपकी अभिवृत्तियाँ, आपके मूल्य, आप क्या काम करते हैं, वो सब चेंज होना जरूरी है. एंड इट रिक्वायर्स एन एजुकेशनल स्ट्रक्चर. और इसके लिए किस प्रकार की शैक्षिक संरचना की जरूरत होती है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल हो रादर देन हायरार्किकल. ये नहीं कि ये सीखेंगे फिर ये सीखेंगे फिर ये, ऐसा नहीं, हॉरिजॉन्टल, एक होराइजन पे सारी बातें होनी चाहिए. फिर मेथडोलॉजीज की बात होगी कि किस कैसे आप पढ़ाएं ह्यूमन रिसर्च, क्या ह्यूमन राइट्स के बारे में. तो आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की एक हैंडबुक है बहुत अच्छी, उसी से मैंने आपके लगभग दोनों पिछले वाले मैटर में, तो पिछले वाले वीडियो का तो मैटर कई जगहों से लिया गया था, पर ये मेनली उसी का है और ये इतना बढ़िया है कि मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी. तो आप भी उसको पढ़ सकते हैं, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन हैंडबुक करके है. तो मेथडोलॉजीज में देखिए कैसे करें, कैसे आपको हम उद्वेलित करें, कैसे हम आपको सोचने पर मजबूर करें, कैसे हम स्टूडेंट्स के अंदर ये भाव लाएं कि उनको ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना है. तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग से अच्छा मेथड नहीं हो सकता. आप जानते हैं ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब कि एक टॉपिक आपको दिया जाए, उस पर आप डिस्कशन कीजिए, जितने पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सब लिख दीजिए, बाद में टीचर क्या करेगा, सम अप करेगा और जो मानने योग्य पॉइंट्स उनको माना जाएगा और जो नहीं है उनको डिस्कार्ड करेंगे. बट इससे क्रिएटिविटी बच्चे की अनलीश होती है और बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं. इट इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड जनरेट्स मैनी आइडियाज क्विकली, ना, बहुत सारे आइडियाज हमको जल्दी जल्दी मिल जाते हैं. इट कैन बी यूज फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, आंसरिंग अ क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सब्जेक्ट, रेजिंग इंटरेस्ट एंड सर्वेइंग नॉलेज एंड एटीट्यूड्स. किस किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है, किसी समस्या का समाधान चाहिए, किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए, कोई नया विषय हम आपसे प्रस्तावित करना चाहते हैं आपके सामने, किसी विषय पर आपकी रुचि जागृत करना चाहते हैं, आपका नॉलेज और एटीट्यूड का सर्वे करना चाहते हैं, इन सभी कामों के लिए. फिर केस स्टडीज, मतलब कि किसी कोई पर्टिकुलर ऐसा इश्यू हुआ हो जिस पर कि केस स्टडी हो सकती हो, बहुत सारा उसमें मैटर हो, ऐसा बहुत सारे उसमें इश्यूज हो ऐसे, तो हम क्या कर सकते हैं कि स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हम बच्चों का, स्टूडेंट्स का एक स्मॉल ग्रुप बना सकते हैं, केस स्टडीज टू रिस्पॉन्ड टू एस प्राइमरी डेटा फॉर लर्निंग. और जो वो डेटा प्रोवाइड करेंगे वो हमारा प्राइमरी डेटा हो जाएगा सीखने के लिए. और जो केसेस होते हैं वो क्या प्रोत्साहित करते हैं, एनालिसिस को, क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, प्लानिंग स्किल्स को. इसके अलावा कोऑपरेशन, टीम बिल्डिंग, दे कैन बी यूज टू सेट अप इफेक्टिव डिबेट्स एंड कंपेरिजन. हम किसी भी मुद्दे पर, जैसे कोई किसी को मृत्युदंड की सजा मिली है, तो उसमें क्या मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो फिर पता चला उसने क्राइम क्या किया है, तो उस पर आप डिबेट करवा लीजिए, केस स्टडी करा लीजिए. तो इस तरह से क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मतलब कि हम कुछ आपसे एक्सप्रेस करें, तो कहें कि क्रिएटिवली आपको इस
टॉपिक पर इशू एक्सप्रेस करना है. अब वही फिलिस्तीन और इसराइल एकदम लेटेस्ट टॉपिक है, करेंट टॉपिक है, इसे आप रिलेट कर सकते हैं. मानव तो दोनों ही हैं, जो फिलिस्तीनी हैं, जो इसराइली हैं, तो किसके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, कैसे आप बताएंगे कौन सही है कौन गलत है. बहुत बहुत डेलिकेट मुद्दे हैं ये, है ना. तो इट कैन हेल्प टू मेक कंसेप्ट मोर कॉन्क्रीट, पर्सनलाइज एब्स्ट्रैक्शन एंड इफेक्ट एटीट्यूड्स बाई इन्वॉल्विंग इमोशनल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज टू ह्यूमन राइट्स. यानी मानवाधिकारों का जो सांवेगिक पक्ष है, जो बौद्धिक पक्ष है, सबके प्रति आपको प्रत्युत्तर देना होगा. तो मतलब हम आपको उद्वेलित करें, हम आपको विचारवान बनाएं, हम आपको सोचने पे मजबूर करें. इस तरह से ह्यूमन राइट्स पढ़ाया जाता है. उसके बारे में सिर्फ लेक्चरिंग से नहीं पढ़ाया जा सकता, पढ़ाया भी जाएगा तो वो अपना पर्पस नहीं सॉल्व करेगा. तो आप बच्चों से, स्टूडेंट्स के संग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर सकते हैं, केस स्टडीज हो सकती है, उनसे क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने को कहा जा सकता है अपने आप को, डिबेट्स हो सकती है, निगोशिएशंस की, कोई ऐसा मुद्दा हो उस पर आप डिबेट करा लीजिए और लास्ट में निगोशिएट हो जाएंगे. ठीक है, ये मध्यस्थता का पॉइंट निकल कर आया. इट हेल्प्स टू क्लेरिफाई डिफरेंट पोजिशन ऑन ए कॉन्ट्रोवर्शियल इशू. कोई ऐसा मुद्दा है जिसपे कॉन्ट्रोवर्सी है, कुछ लोग एक पक्ष में है, कुछ लोग एक पक्ष में है, तो आप डिबेट करा लीजिए. दे यूजली इन्वॉल्व टू और सेवरल स्मॉल ग्रुप्स हु प्लान एंड प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ एन इशू विच मे नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट देयर पर्सनल व्यूज. डिबेट्स डेवलप लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इशू एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. और डिबेट से क्या क्या होता है, हमारे अंदर तर्क करने की क्षमता विकसित होती है, हम किसी विषय को समझ पाते हैं, और बोलने और सुनने का कौशल भी हमारे अंदर आता है. कि सुनना भी एक बहुत बड़ा कौशल है, कि जो आपके विपक्ष में बोल रहा हो आप उसको सुन के आप उसके पॉइंट को कह सके कि हाँ ये पॉइंट भी सही है, तो ये बहुत बड़ी बात है. फिर आप डिस्कशन करवा लीजिए. तो लेकिन डिस्कशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछिए. अगर ग्रुप लार्जर हो तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ऐसा ना हो कि कुछ विद्यार्थी जो हैं ज़्यादा बोल रहे हैं, कुछ चुप हैं. तो हमको सबको अपॉर्चुनिटी देने के लिए क्या करना चाहिए कि ग्रुप को स्मॉलर यूनिट्स में बांट देना चाहिए. व्हेन एनी डिस्कशन कंक्लूड समराइज द मेन पॉइंट्स ओरली एंड इन राइटिंग. और जब डिस्कशन कंक्लूड हो जाए आप उसका निष्कर्ष निकालिए, आप बताइए कि ये पॉइंट्स निकल कर आए, ओरली भी बताइए स्टूडेंट्स को और इन राइटिंग भी उनको लिख के देने को कहिए. तो डिस्कशन का कोई मतलब है. और क्या करा सकते हैं, ड्रामेटाइजेशन. आप ड्रामा करवा लीजिए, रोल प्ले करवा लीजिए ना, कि आप किसी सिचुएशन में हैं, आप बंदी हैं, आपको मृत्युदंड की सजा मिली है, आप शरणार्थी हैं, आप रिफ्यूजी हैं. तो उस रोल में जब आप उस रोल को प्ले करेंगे, जब आपको डायलॉग्स मिलेंगे बोलने के लिए, तो आप अनुभव कर पाएंगे कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कैसे शैटर हो रहा है, कैसे उसको मिलना चाहिए. मैनी ड्रामेटिक टेक्निक्स कैन इनहेंस लर्निंग. समटाइम्स देयर पर्पज इज फॉर पार्टिसिपेंट्स टू एक्सपीरियंस. हम पार्टिसिपेंट को ये अनुभव कराना चाहते हैं वो अनफेमिलियर सिचुएशन या आइडेंटिटी जो उसने फेस नहीं की, जैसे कोई अयोग्य है, कोई रिफ्यूजी है, शरणार्थी है. एंड डेवलप एम्पैथी एंड एप्रिसिएशन फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू. आप उससे तब तद अनुभूति डेवलप कीजिए उसके लिए, आप उसके लिए एप्रिसिएशन करिए, है ना. तो ये हो सकता है, आप विटनेस बन जाइए, आप एडवोकेट बन जाइए, आप जज बन जाइए. इस तरीके के रोल प्ले ड्रामेटाइजेशन में हो सकते हैं. फिल्म्स एंड वीडियोस, बहुत आप फिल्म्स दिखा सकते हैं. लेकिन सिर्फ फिल्म दिखाइए नहीं, आप बताइए फिल्म दिखाने से पहले कि आपको इन इन मुद्दों पर ध्यान देना है. तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे. इस तरह से आप ह्यूमन रिसर्च, बार बार रिसर्च निकल रहा है, ह्यूमन राइट को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, उसके बारे में भाव जागृत कर सकते हैं. इसीलिए मैं पूरा इसको वर्ड बाई वर्ड पढ़ नहीं रही हूँ. फिर फील्ड ट्रिप्स, आप बच्चे को, स्टूडेंट को फील्ड ट्रिप पे ले जाइए, ऐसी जगह जहाँ वो नहीं गया है, जो उसने अनुभव नहीं किया, जैसे जेल है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं जहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, अर्बन सेंटर्स हैं. तो वो फील कर पाएगा. विजिट्स माइट बी टू प्लेसेस वेयर ह्यूमन राइट्स इश्यूज डेवलप, जहाँ पे ह्यूमन राइट का इशू डेवलप होता है कि ये भी मानव है, इनको भी मानवाधिकार इनको मिलने चाहिए. उसी तरह से गेम्स, गेम्स आर ए लाइवली एक्सपीरियंशियल वे टू इंट्रोड्यूस डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट कॉग्निटिव लर्निंग. हाउएवर पार्टिसिपेंट्स ऑफन रिमेंबर द गेम बट फॉरगेट इट्स पर्पस. रीइंफोर्स द लर्निंग वैल्यू ऑफ द गेम विद डिस्कशन एंड एक्सप्लिसिट लिंक्स टू ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट्स. तो कह रहे हैं आपको ऐसा गेम करवा लीजिए, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है, जनरली वो गेम का पर्पस भूल जाते हैं, उनको गेम याद रहता है. तो आप गेम का पर्पस बताइए कि किस लिए हम इसको एक्ट इनएक्ट कर रहे हैं. इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेजेस, आप उनको चित्र दिखा सकते हैं और फिर उनसे उनका इंटरप्रिटेशन पूछ सकते हैं कि बताइए आप इसमें क्या फील कर रहे हैं, आप इसको क्या टॉपिक देंगे, आप इसको क्या टाइटल देंगे, समराइज करिए. तो इस तरह से आप उनमें भाव जागृत कर सकते हैं. इंटरव्यूज प्रोवाइड्स डायरेक्ट लर्निंग एंड पर्सनलाइज्ड ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड हिस्ट्री. पार्टिसिपेंट्स नीड टू बी क्लियर ऑन द गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स फॉर इंटरव्यूज एंड टू प्रिपेयर इन एडवांस विद की क्वेश्चंस. आप उनसे कहिए कि कुछ ऐसे जहाँ ह्यूमन राइट के इश्यूज डेवलप हो रहे हैं उनका इंटरव्यू ले लीजिए. तो आप उनको पहले बोलिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, वो ओपन एंडेड होंगे कि क्लोज एंडेड होंगे, आपको कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, कैसे उसका इम्प्लीकेशन निकालना है, इथिकल इश्यूज का कैसे ध्यान देना है, ये सब आपको सिखाना होगा. जिग्सो एक्टिविटी,
जिग्सॉ जानते हैं ना, जो ऐसे पजल होती है जिसको ऐसे 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 फिट कर देते हैं। तो कह रहे हैं ये पार्टिसिपेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग की बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी, बहुत मेथडोलॉजी है। तो कह रहे हैं कि आप क्या करिए कि दिस मेथडोलॉजी बिल्ड्स कोऑपरेशन एंड इनेबल्स पार्टिसिपेंट्स टू टीच ईच अदर। इसमें आप एक दूसरे को सिखाते हैं, क्या करते हैं कि एक इशू को हमने कुछ सब टॉपिक्स में बांट दिया और हर ग्रुप को एक एक टॉपिक दे दिया। फिर ईच ग्रुप वर्क टुगेदर टू लर्न मोर अबाउट इट्स आस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक। तो वो जो ग्रुप है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेगा और फिर वो बाकी लोगों को बताएगा और फिर हम रोल चेंज करेंगे, ग्रुप चेंज करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हर टॉपिक हर इंडिविजुअल को पता चल जाएगा, और चूंकि वो उसमें खुद इन्वॉल्व होकर सीखता है तो बेहतर सीखता है। मतलब एक्टिविटी बेस्ड मेथोडोलॉजी होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की, सार यही है। जर्नल राइटिंग आप उनसे लिखवा लीजिए, कोई ऐसा मुद्दा है उस पर इनके रिएक्शन ओपिनियन आइडियाज उनसे लिखवा लीजिए। कई बार ऐसा होता है हम बोलने में हिचकिचाते हैं पर लिख पाते हैं, तो इससे आप इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी स्टूडेंट्स में। इतना कुछ रहा मेथड्स के बारे में, मेथोडोलॉजी के बारे में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की। अब टेक्निक्स क्या है, ये तो मेथड्स हो गए कि इन इन तरीकों से पढ़ाएंगे, पर किन प्रविधियों का इस्तेमाल करेंगे। तो कई सारी प्रविधियां हैं, जैसे वर्क स्टेशन हो सकता है आपका, कंटेस्ट एंड अवार्ड रख सकते हैं आप, फिश बोल टेक्निक अपना सकते हैं, गैलरी वॉक एग्जीबिशन सर्किस हो सकता है, या तो ये दो बार आ गया और आपका हो गया ये। ओके तो मैं बता दूंगी, वो दूसरी स्लाइड जो थी उसमें था मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज और स्मॉल ग्रुप वर्क, वो चेंज नहीं हुई, वही वाली स्लाइड आ गई, कोई बात नहीं। तो टेक्निक्स ऑफ एचआरई में वर्क स्टेशन या कैरोसेल, वो कह रहे हैं कि फैसिलिटेटर्स क्रिएट स्टेशन। हम क्या करें, जो टीचर की भूमिका में वो वर्क स्टेशन बना दें और कह दें कि फॉर एग्जाम्पल रादर देन ए ग्रुप ऑफ 40 पीपल गोइंग थ्रू फोर एक्टिविटीज फॉर 2 आवर्स, फोर ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर डिवाइडेड अमंग फोर एक्टिविटीज। वर्क स्टेशन बना दीजिए ना, उसमें क्या होगा कि 40 बच्चे 40 स्टूडेंट एक साथ 2 घंटे काम कर रहे हैं। इससे अच्छा आप कहिए कि 4 10 10 स्टूडेंट्स 4 जगह काम करेंगे और हर 30 मिनट्स पे वो अपना रोल प्ले कर लेंगे। इतनी सारी एक्टिविटी आप मेथोडोलॉजी में करा रहे हैं ना, कहीं डिस्कशन करा रहे हैं, कहीं डिबेट करा रहे हैं, कहीं जर्नल राइटिंग करा रहे हैं, तो इससे क्या होगा हर स्टूडेंट हर तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। इस तरह से वर्क स्टेशन चलते रहेंगे। फिर कंटेस्ट और अवार्ड करा लीजिए। कंटेस्ट कैन स्टिमुलेट क्रिएटिविटी अमंग पार्टिसिपेंट्स एंड ड्रॉ पब्लिक अटेंशन टू एन इशू। आप कहिए कि ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, उस पर ये अवार्ड भी मिलेगा, उसमें आप ह्यूमन राइट का कोई इशू उनके संग शेयर कर लीजिए, कोई प्रोजेक्ट उनसे करवा लीजिए, कोई पब्लिकेशन उनसे करवा लीजिए। तो उनमें ये भूमिका, ये भी भाव डेवलप होगा कि हम इस बेहतर करें, तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी डेवलप होगी। तो ये मतलब आपको कहने का है कि रेगुलर चॉक एंड टॉक मेथड एंड ओनली लेक्चरिंग मेथड और टेक्निक से एचआरई का काम नहीं चलेगा। फिश बोल टेक्निक अपना लीजिए, मतलब इसमें कहेंगे थिएटर इन द राउंड, बीच में कुछ बच्चे हैं जो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं व्हाइल द रेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑब्जर्व्स, और जो रेस्ट ऑफ द ग्रुप है वो ऑब्जर्व कर रहा है, उनसे क्वेश्चन पूछेगा, उन पे कमेंट करेगा और उसका मन करेगा तो उस एक्टिविटी को ज्वाइन भी कर सकता है जाके। तो एक्टिविटी क्या हो सकती है, ड्रामा हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, कोई डिबेट चल रही हो सकती है, ये सब हो सकता है। फिर गैलरी वॉक एग्जीबिशन या सर्कस, एग्जीबिशन लगती है तो क्या होता है कि कुछ बच्चे किस रोल में होंगे कि उन्होंने जो किया होगा, उन्होंने जर्नल राइटिंग किया हो, कुछ बनाया हो, कुछ इनैक्ट किया हो, कुछ हो, तो उसको वो एग्जीबिशन के रूप में, प्रदर्शनी के रूप में रखेंगे और बाकी स्टूडेंट्स क्या होंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे। फिर रोल चेंज हो जाएगा वो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कर लेंगे और जिनका रह गया वो अपना एक्सप्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से आप ह्यूमन राइट एजुकेशन की टेक्निक अपना सकते हैं। ये चूंकि स्लाइड चेंज हो गई है, मतलब वही स्लाइड आ गई है, तो नेक्स्ट स्लाइड में छोटा सा 2 टॉपिक था मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, क्योंकि भाई अब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो आप मल्टीमीडिया इस्तेमाल करके टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्मॉल ग्रुप वर्क, छोटे छोटे समूहों में स्टूडेंट्स काम करें और अपने काम का एग्जीबिशन करें, प्रदर्शन करें, डेमॉन्स्ट्रेशन करें। लास्ट में एचआरई इन इंडिया, अगर भारतवर्ष में बात की जाए ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की, 21st मार्च 2009 द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑर्गेनाइज्ड अ डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एट द स्कूल लेवल इन न्यू दिल्ली। एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, उसमें जो इनॉग्रल सेशन था उसमें NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन थे मिस्टर जस्टिस एस राजेंद्र बाबू, उन्होंने कहा कि डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज मस्ट एम एट ब्रिंगिंग अबाउट एटीट्यूडिनल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर। आप ज्ञान दीजिए पर ज्ञान के संग अगर उसके एटीट्यूड में चेंज नहीं हुआ मानव व्यवहार के प्रति तो वो बेकार है। इसका मतलब कि हमको एटीट्यूड में चेंज लाना है, इसलिए अलग प्रकार की मेथोडोलॉजी और टेक्निक की जरूरत है। He said that if students are sensitized about human rights, they can become instruments for social justice and development. उन्होंने कहा कि अगर हम विद्यार्थियों को मानव अधिकारों के लिए सेंसिटिव बना देंगे, उनके अंदर ये संवेदना जागृत कर देंगे,
तो क्या होगा कि जो मनुष्य, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे जिससे कि हम सामाजिक न्याय और विकास को हासिल कर सकते हैं. जस्टिस राजेंद्र बाबू सेड दैट द ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर द प्रमोशन एंड अचीवमेंट ऑफ स्टेबल एंड हारमोनियस रिलेशन अमंग द कम्युनिटीज. विभिन्न समुदायों के बीच में एक सामंजस्यपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और स्थायी हमको अगर रिलेशन स्थापित करना है तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स एजुकेशन बहुत जरूरी है. इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस ह्यूमन राइट्स विदाउट इंटरनलाइजिंग देम. सबसे खास बात, ये बहुत मुश्किल है कि हम ह्यूमन राइट्स को अपने व्यवहार में लाएं जब तक कि अगर हम उसको इंटरनलाइज नहीं करेंगे, उसका अनुभव नहीं करेंगे. इसलिए अलग प्रकार के मेथड से पढ़ाइए जिसमें बच्चा फील करे, उसके एटीट्यूड में चेंज आए, उसके बिहेवियर में चेंज आए, तब तो ह्यूमन राइट एजुकेशन का कंसेप्ट का कोई मतलब है. यानी कि ज्ञान सुपरफिशियल लेवल पे, ज्ञान आप हो जाइए, ज्ञानी हो जाइए, अवेयर हो जाइए, उसके बाद आप एक्शन में आ जाइए. ओके, so this is all about methods and techniques of human rights education. So I have covered the concept, need, relevance of human rights education, as well as methods and techniques of human rights education of your course and topic. Okay, so in this way I have completed this very topic too. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.